नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेब के बिजनेस के बारे में। सेब का बिजनेस कैसे होता है, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सेब का जो बिजनेस है वह भारत में एक प्रचलित बिजनेस है, सेब का बिजनेस पूरे भारत में। और जो सेब की खेती है वह ठंडे एरिए में होती है, मतलब जहाँ तापमान कम हो वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तो निश्चित तौर पे जो पहाड़ी इलाका है, जो ऊंचे जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ खेती इसकी की जाती है और वहाँ ये फलता फूलता है। लेकिन अगर इसको पूरे भारत में कहा जाए तो भारत के सभी राज्यों में कहा जाए तो इसकी खेती नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये हर जगह मिलने वाला और प्रचलित बिजनेस के रूप में इसको माना जाता है और बिजनेस है। दोस्तों नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो इसकी कीमत में कभी उछाल भी आता है तो कभी ये कम रेट में मिलता है, फिर भी ये अभी के टाइम में देखा जाए 40 से 100 के बीच में बिकता है, मतलब लगभग हो सकता है इसे ज्यादा भी बिकता होगा पूरे भारत में, कहीं ज्यादा कीमत भी हो कहीं कम कीमत भी। लेकिन इसकी वजह यह होती है कि जहां से इसको ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्च होता है उसके कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए यूपी में रहते हैं या और कहीं रहते हैं या किसी ऐसे राज्य में आप रहते हैं जहाँ पर इसकी खेती नहीं होती है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए इसका बिजनेस तो पूरे भारत में है लेकिन इसकी खेती तो या इसका जो फसल है या पेड़ है वहीं होता है जहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो नॉर्मल तौर पे इसको पूरे भारत में बेचा जाता है, तो मान लीजिए जहाँ पे इसका खेती नहीं होता वहाँ पे अगर आपको बिजनेस करना है तो किस तरह से करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों नॉर्मल तौर पे आप देखते भी होंगे बहुत से लोग इसका बिजनेस करते भी हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे खास बात यह है कि अगर इसका बिजनेस कम लागत में शुरू करना है तो आपको सबसे पहले बात यही समझना पड़ेगा कि आपको जो माल है ये दूर से नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि दूर से लेकर के आएंगे तो उस ज्यादा लेकर आना पड़ेगा और इसमें आपका लागत भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा खरीद करके अगर आप बेचते हैं, घुमा करके बेचते हैं, तो ये इतना जल्दी खराब नहीं होता है ये, और ठंडी के मौसम में ज्यादा दिनों तक ये चलता है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो थोड़ा कम ही मुनाफा लेकर के आसानी से इसको बेच सकते हैं, मतलब नजदीकी किसी थोक विक्रेता से खरीद करके उसमें थोड़ा कम ही मुनाफा लेकर के घूम करके अगर आप साइकिल से घूम करके बेचते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसमें 100, 200, 300 रुपए अगर मान लीजिए 50 किलो बेच देते हैं तो निश्चित तौर पे आप कमा सकते हैं या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये मैं आपको एक छोटा सा पीस दिखा रहा हूँ, ये सेब लगभग मेरे को खरीदे हुए 4 दिन हो गया, अभी तक कोई दाग नहीं आया, तो समझ लीजिए कि ये अभी के टाइम में कितना महफूज है और ये कब का ये कटा होगा, मतलब तोड़ा गया होगा पेड़ से, कि अभी तक ये खराब नहीं हुआ है। तो इसमें जो है थोड़ा चांस होता है कुछ दिनों ज्यादा दिनों तक चलने का, मतलब 15 दिन तक खराब लगभग नहीं होता है, उससे ज्यादा दिनों तक भी चलता है अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं। लेकिन अगर गांव देहात में रहते हैं, इसका बिजनेस करना है, तो यही तरीका सबसे आसान है कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा ही खरीद करके बेच करके फिर से मुनाफा अपना छांट करके फिर से खरीद करके इसको बेच सकते हैं, मतलब कम लागत में इसी तरह का बिजनेस किया। अगर मान लीजिए शहर में रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ठेला एक बना सकते हैं या एक जगह दुकान कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं शहरों में, लेकिन गाँव देहात में इसको घूम कर बेचेंगे तो ज्यादा कमाई होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि ये किस तरह का पदार्थ है और कहाँ इसका खेती ज़्यादा होता है और किस तरह से इसको बेचा जाता है और कम लागत में कैसे बेचा जा सकता है। तो अगर ज़्यादा पूंजी लगाते हैं तो कोई बातें नहीं है, आप इसका थोक व्यापारी बन के बैठ सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा पूंजी लगाना है 2-3 लाख रुपये लगाना है, अगर बहुत कम लागत लगाना है 5,000 का लगभग अगर पूंजी लगाना है तो इसको खरीद करके भी बेच सकते हैं और एक जगह चाहे तो दुकान करके भी गांव में बेच सकते हैं। लेकिन घूम करके अगर आप इसको बेचते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा मुनाफा होने का और ज़्यादा बिकने का चांस होता है। दोस्तों पर्व और त्यौहार लगभग पूरे 12 महीने चलते ही रहते हैं, इसका ज़रूरत भी हमेशा ही रहता है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे साल अगर कोई ना कोई पर्व त्यौहार आता ही है और लोग व्रत भी रहते हैं तो ये व्रत के लिए भी, हर चीज़ के लिए, सेहतमंद के लिए भी सही है और व्रत त्यौहार के लिए भी ये अच्छी चीज़ है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पूरे साल चलने वाला बिजनेस है और थोक हो या फुटकर इसका बिजनेस पूरे साल आप
कर सकते हैं, चाहे मतलब फुटकर व्यापारी हो या थोक व्यापारी हो, इसका बिजनेस पूरे साल कर सकते हैं और आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा। और हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है वीके पुराना, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। और वहां भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।